वित्त मंत्री मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी सुरक्षा टीम के द्वारा एक व्यक्ति को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जानकारी मिली कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम की ओर जा रहे थे। अचानक हरिद्वार हाईवे पर बीच सड़क पर मंत्री को सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा रोका गया और जाम और सड़क की समस्या कही गई। इतने में बात अचानक बढ़ गई और मारपीट की नौबत आ गई। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सुरेंद्र नेगी नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके साथ भी सड़क पर रोड कर बदतमीजी की गई और सुरक्षाकर्मी के रोके जाने पर मारधाड़ पर उतर गया। मारधाड़ में उनका कुर्ता भी फट गया और सुरक्षाकर्मी की वर्दी भी फट गई। हालांकि वीडियो में मंत्री और उनके सुरक्षाकर्मी की टीम व्यक्ति को पिटाई करती नजर आ रही है। पुलिस ने सुरेंद्र नेगी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं मंत्री ने पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिये भरत मंदिर, भाई साहब आप भी ले लें। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है लेकिन लोग उसे ब्लैक मिलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षाकर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक, उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी का ये कुर्ता ये फटा हुआ देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षाकर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, काहे दौरान ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा, उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है। और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ, जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती, मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि भाई चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पर पहुँचा था जहाँ पर इसने शिकायत की थी। और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है, फिर मैं मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं अब आपके सामने। वो चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी आपकी सुरक्षा में चूक देखी, चूक नहीं कह सकते इसे, ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है उसमें सुरक्षा क्या करेगी, और सीधा गाली दे रहा है उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दे जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा, इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था, और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान, अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। जो वीडियो